मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के मानखुर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले को पकड़ा है। पुलिस ने एक 22 वर्षीय सेल्समैन को कथित तौर पर लाखों की नकली भारतीय नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें नकली नोट के बारे में जानकारी मिली थी। लगातार 5 दिनों तक पुलिस इस मामले पर जांच कर रही थी। पुलिस को मानखुर की एक घर से 200, 100 और 50 की छपी हुई नकली नोट मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस घर पर छापा मारा। मौके से ही एक प्रिंटर, लैपटॉप, कागज और 7 लाख से अधिक की नकली नोट मिली है। वहीं रोहित शाह को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि रोहित शाह ने 12वीं तक पढ़ाई की है। नोट छापने का तरीका उसने यूट्यूब से सीखा था। सुनिए मानखुर पुलिस ने क्या जानकारी दी है। मानखुर पुलिस के हद में ज्योतिर्लिंग नगर मानखुर डुक्कर गली यहाँ पे बनावट का नोट बना कारखाना, ऐसी खबर हमारे अधिकारी और अमलदार को मिली थी। जैसे मिली तब, लेकिन जगह का कंफर्मेशन नहीं था तो 4-5 दिन हमको वहाँ पे वॉच रखना पड़ा। लोगों को पूछ भी नहीं सकते थे कि लिख ना हो। हमारे लोगों ने एक जगह फिक्स की, भाई 100% यहीं पे। तब जब कंफर्म होने के बाद हमने वहाँ पे कल रात देर में या अर्ली मॉर्निंग में हमने वहाँ पे छापा कार्रवाई की। छापा कार्रवाई में वहाँ पे एक बंदा है, मनोज रोहित शाह, उम्र है उसकी 22 साल, सॉरी रोहित मनोज शाह, उम्र है उसकी 22 साल। वो वहाँ पे बनावट नोटा बनाते हुए मिला, जिसमें स्क्रीनिंग का साहित्य लैपटॉप पे बना के स्क्रीनिंग, और किसी को पता ना चले वन में नहीं करता था वो। वहाँ पे सब सामान ताबे मिले, नोट ताबे मिले, उसका पंचनामा करके जब हमने गिने तब नोट 7,16,150 के नोट उसने रेडी करके रखे थे और बाकी का काम वो बना रहा था। सब मिला के मुद्दे में जो उसमें प्रिंटर, लैपटॉप और बाकी के सामान है छोटा मोटा, 9,16,150 का पूरा ताबे में लिया। FIR दर्ज किया सरकार की तरफ से फिर देखे। देर रात की वजह से रिमांड करना जल्दी था, इसके लिए हमने जो जो रिमांड के लिए इम्पोर्टेंट था वही काम पहले किया और रिमांड को भेज दिए। अभी वो रिमांड को अभी तक आए नहीं। रिमांड जैसे आते हैं उसके बाद उसके लास्ट तक जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।